Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic dental sciences and basic Ayurvedic sciences. Our today's chapter of subject Yantropkaran are grinder, handmill, hammer mill and cutter. Hello guys, हमारे previous video में हमने यंत्रोपकरण के जो instruments हैं उनके बारे में पढ़ा था, size reduction और हमारा disintegrator जो instrument है उसको complete किया था. आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे ग्राइंडर, हैंड मिल, हैमर मिल और कटर मिल के बारे में. तो फर्स्टली हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्राइंडर क्या है या ग्राइंडर किसे कहते हैं. तो जो ग्राइंडिंग प्रोसेस होती है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है साइज रिडक्शन के लिए उसे ग्राइंडर या ग्राइंडिंग मिल कहते हैं. और जो कम मात्रा में चून बनाना होता है, फाइन पाउडर बनाना होता है, ना स्मॉल क्वान्टिटी, तो वो मोर्टार और पेस्टल की यूज से हम बना कर सकते हैं उसका साइज रिडक्शन. इसे खल्व यंत्र भी कहते हैं. और जो ग्राइंडर है मतलब ग्राइंडिंग कर ली, ग्राइंडिंग करने के बाद में छलनी से जो भी हमारा मटेरियल है उसको छान लिया, जो भी हमें साइज में चाहिए, जितना भी फाइन चाहिए उसे छान कर उस चून को ले लिया, कलेक्ट कर लिया. तो जो मोस्ट यूज़फुल ग्राइंडर्स हैं उनके नेम यहाँ मेंशन हैं, तो हम वो देखते हैं कि कौन कौन से यूज़फुल ग्राइंडर्स हैं. तो सबसे पहले हैंड मिल, हैमर मिल, एंड रनर मिल, एज रनर मिल, डिसइंटीग्रेटर, पल्वराइज़र, मिक्सर ग्राइंडर, ये सभी ग्राइंडर्स हैं. और हम आगे देखें तो ग्राइंडिंग मिल किसे कहते हैं. देन ग्राइंडिंग मिल इज़ अ यूनिट ऑपरेशन डिज़ाइन टू ब्रेक अ सॉलिड मटीरियल इनटू स्मॉल पीसेस. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राइंडिंग मिल. ग्राइंडिंग मिल क्या है? एक ऐसा डिज़ाइन किए मिल है या एक यूनिट है जिसमें जो सॉलिड मटीरियल है उसको स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है. और आज के टाइम पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स के ग्राइंडिंग मिल प्रेजेंट है. तो जो मिल्स हैं जो हैंड के थ्रू पावर्ड की जाती हैं, जैसे उसका एग्जांपल है मोर्टार या पेस्टल. और जो वर्किंग एनिमल्स के थ्रू जो मिल पावर की जाती है उसे कहते हैं हॉर्स मिल. जो विंड के थ्रू की जा रही है वो विंड मिल, और जो वाटर के थ्रू की जा रही है वो है वाटर मिल. आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी से भी पावर्ड करने वाली मिल्स प्रेजेंट हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ग्राइंडर. अब हम हैंड मिल ग्राइंडर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो जो हैंड मिल ग्राइंडर है उसका प्रिंसिपल है ग्राइंडिंग. इसका यूज़ है स्मॉल क्वांटिटीज़ में ड्रग्स को ग्राइंड करना. इसका कंस्ट्रक्शन है तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कोन्स आउट ऑफ विच वन इज़ सॉलिड एंड वन इज़ होलो. इसके कंस्ट्रक्शन में दो कोन्स होते हैं, एक जो कोन होता है वो सॉलिड होता है, एक जो कोन होता है वो अंदर से खोखला होता है, होलो होता है. और जो इसकी एडजेसेंट सरफेस होती हैं वो टूथेड होती हैं, उनमें ऐसे दाने 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 से होते हैं, कॉरिगेटेड होती है. और ये जो कोन्स हैं ये ग्राइंडिंग सरफेस प्रोवाइड करती हैं. ग्राइंडिंग सरफेस के लिए एक रफ़ सरफेस चाहिए होता है, स्मूथ सरफेस पे कभी भी ग्राइंडिंग नहीं हो पाती है, इसीलिए उसके जो एडजेसेंट सरफेसेस हैं वो टूथेड होते हैं. द सॉलिड कॉन फिट्स इनटू हॉलो कॉन्स विच अटैच टू अ शार्प. जो सॉलिड कॉन्स होते हैं वो फिट होते हैं हॉलो कॉन्स में और ये अटैच होते हैं एक शार्प से. अब हम वर्किंग देखें कि हैंड मिल जो है वो वर्क कैसे करती है. तो हैंड मिल का वर्किंग होता है कि जो मटेरियल है उसको मशीन में हॉपर के थ्रू डाला जाता है, बाद में बाय टर्निंग दी हैंडल फिटेड एक्सटर्नली दी सॉलिड कॉर्न रिवॉल्व्स बाय विच मटेरियल इज ग्राउंड इन स्मॉल पार्टिकल्स. कि बाहर की साइड में एक्सटर्नली एक हैंडल होता है, एक हैंडल फिट होता है, उसे टर्न करने पर सॉलिड कॉर्न जो है वो रिवॉल्व करता है, उसका रेवोल्यूशन से जो ड्रग है, जो भी मटेरियल है, वो स्मॉल पार्टिकल्स में कट हो जाता है, ग्राइंड हो जाता है. और जो दोनों कॉर्न्स हैं, जो हमारा हॉलो कॉर्न है और सॉलिड कॉर्न है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको एक थंब स्क्रू फिट होता है बाहर की साइड, उसके हेल्प से उन दोनों का गैप जो है वो एडजस्ट किया जाता है. ये थी प्रिंसिपल यूज़ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हैंड मिल की.
अब हम आगे देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हम सामने देख रहे हैं एक हैंडमिल मशीन है। हैंडमिल मशीन को हम अगर देखा जाए तो जैसे हमने सभी ने देखी कि एक आटा चक्की होती थी पहले घर के अंदर, जिसका एक हैंडल होता था, दो जो हैं हैवी स्टोन्स होते थे एक के ऊपर एक रखे हुए, बीच में एक होलोनेस होती थी, वहाँ से गेहूँ डालते थे और नीचे से आटा निकलता था। तो वैसे ही कुछ है, उसी का एक मॉडिफिकेशन मान लीजिए हैंडमिल को। तो इसमें देखिए ऊपर की तरफ हॉपर है, साइड में हैंडल है, नीचे की तरफ एक थ्रू फिट है, जिस थंब स्क्रू फिट है। इन सभी का यूज़ करके हम जो साइज रिडक्शन है वो कर सकते हैं। तो ये डायग्राम है, आप सभी देख सकते हैं इसे। अब हम हमारी नेक्स्ट मील देखते हैं, विच इज़ कटर मील। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका प्रिंसिपल क्या होगा। इसका प्रिंसिपल है कटिंग विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइव्स। तो ये चीज़ तो इसके नाम से ही पता चल रही है कि कटर का मतलब होता है कट करना कोई भी चीज़ को शार्प एजेस से। इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो इसके कंस्ट्रक्शन में टू टाइप्स ऑफ नाइव्स आर फिटेड, विच इज़ वन इज़ स्टेशनरी एंड वन इज़ रोटेटिंग। इसमें दो टाइप की नाइव्स फिट होती हैं, जो कि एक स्टेशनरी होती है, एक नॉट मूवेबल होती है, और एक रोटेटिंग होती है। जो स्टेशनरी नाइव होती है वो माउंट होती है मशीन के केस पर, और जो रोटेटिंग नाइव्स होती हैं वो रोटर के साथ में अटैच होती हैं। जो रोटर है वो रोटेट करता है एक हाई स्पीड पर। जो अपर पार्ट है इस मील का उसके साथ में एक हॉपर अटैच होता है। जो लोअर पार्ट है मील का उसके साथ में एक स्क्रीन अटैच होती है डिज़ायर साइज की सीट के साथ। इसकी वर्किंग है तो सेम वर्किंग है जैसे कि मटेरियल हॉपर के थ्रू जाएगा, उसके बाद में जो कटर्स हैं जो नाइव्स हैं उसके थ्रू कट होकर जो रिड्यूस मटेरियल है वो स्क्रीन पर कलेक्ट हो जाएगा। इसका यूज़ है फॉर साइज रिडक्शन ऑफ सॉफ्ट मटेरियल सच एज रूट्स पील्स और वुड बिफोर एक्सट्रैक्शन। तो जो सॉफ्ट मटेरियल है उसके साइज रिडक्शन के लिए कटर मील का यूज़ होता है। अब हम कटर मील का एक डायग्राम देखते हैं। तो सामने एक डायग्राम है, इसमें सबसे ऊपर जो सरफेस है उसके उसके साथ में हॉपर अटैच है। जो स्टेशनरी नाइव्स हैं वो मशीन के केस पर अटैच हैं, बीच में जो हैं वो रोटेटिंग नाइव्स अटैच्ड हैं एक रोटर के साथ में, और नीचे स्क्रीन है। ये पूरा कटर मील का कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग हमने देखी कि ऊपर हॉपर के थ्रू जो है वो मटेरियल आएगा, स्टेशनरी नाइव्स प्लस जो रोटेटर नाइव्स हैं उनसे कट होकर नीचे स्क्रीन पर कलेक्ट हो जाएगा। अब हम हमारी नेक्स्ट मील देखते हैं, विच इज़ हैमर मील। हैमर मील का जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट है। इसके भी हम नाम से पता लगा सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल किस बेसिस पे वर्क करता होगा, ये किस बेसिस पे वर्क करती होगी, विच इज़ इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कॉलिजन होना कोई भी चीज़ को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक हाई स्पीड में मारना। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखें तो इसका कंस्ट्रक्शन है वो सिमिलर होता है डिसइंटीग्रेटर से। डिसइंटीग्रेटर में मेरे लास्ट प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो उससे सिमिलर है। इसका केस भी स्टील केस होता है। इसमें एक सेंट्रल शाफ्ट होती है जिसके चारों तरफ हैमर्स लटके हुए होते हैं, हैमर्स अटैच्ड होते हैं। जब शाफ्ट रोटेट करती है तो हैमर्स आउटसाइड में रेडियल पोजीशन में रोटेट करते हैं। इसके लोअर पार्ट पे एक स्क्रीन अटैच्ड होती है डिज़ायरेबल साइज़ की। आप चाहें जो भी साइज़ की स्क्रीन रिप्लेस कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। इस मील में एक फ़ैन अटैच होता है, एक साइक्लोन अटैच्ड होता है मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए जब भी साइज रिड्यूस हो जाए। अब हम इसका वर्किंग देखें, इसका मैकेनिज्म देखें, तो जो मटेरियल है वो हॉपर के थ्रू फेड किया जाएगा। उसके बाद में मील में जाने के बाद में मील में जब सप्लाई हो जाएगी मटेरियल की, वो सेंट्रीफ्यूगली रोटेट करेगी। इम्पैक्ट हैमर के इम्पैक्ट की वजह से साइज रिड्यूस होगा, और उसके बाद में जो रिड्यूस पाउडर है वो फिटेड जो लोअर पार्ट में मील की फिटेड स्क्रीन है उसके ऊपर रिड्यूस पार्ट कलेक्ट हो जाएगा। जो अनरिड्यूस पार्ट है वो मील में रिटेन रह जाएगा फर्दर रिडक्शन के लिए।
तो ये हमारा हैमर मील का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन और वर्किंग था। अब हम देखते हैं हैमर मील की जो डायग्राम, ये हैमर मील का डायग्राम है। इसमें हम देखें तो सबसे पहले अपर सरफेस पे एक हॉपर अटैच्ड है, जो सेंटर में हम देखें शाफ्ट के साथ में हैमर्स अटैच्ड हैं, नीचे एक स्क्रीन अटैच्ड है जहाँ से प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें पूरा कंस्ट्रक्शन और मैकेनिज्म हमने पढ़ी लिया है, ये इसका डायग्राम है। नाउ आई थॉट कि आप सभी को हैंड मील, हैमर मील, कटर मील ये सभी समझ में आए होंगे, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।